एक एक राउंड तो रोज वृंदावन का मार ही आता है मानसिक रूप से। राधा कुंड स्नान कर लिया, गिरिराज जी हुआ, हिमा जी हुआ, बिहारी जी हुआ, राधा रमन जी हुआ। और एक चीज और बताऊं, जैसा मैंने कहा था बहुत भीड़ है वृंदावन में, बिहारी जी तो महाराज इतना भयानक भीड़ हो जाती है वहां पर कभी कभी। तो मान लो कभी वृंदावन जाते हो तो बिहारी जी होकर के आ गए, राधा रमन जी आए, ये सब स्थान तो हुआ है, पर असली अगर वृंदावन का आनंद लेना ना तो कभी एकांत में यमुना जी के घाट पे बैठो, बिना भीड़ के शोर शराबे, कहीं एक कोना एकांत का हो, कोई एक कोना गिरिराज जी के एकांत का हो, जहां कोई ज्यादा आना जाना, वहां बैठ के थोड़ी देर चिंतन करो, नाम स्मरण करो, तब असल वृंदावन क्या तब समझ आएगा। मैं तो वृंदावन जाओगे, बड़े बड़े बिल्डिंग देखोगे, बड़े बड़े आश्रम देखोगे, बड़ी बड़ी लाइटिंग्स देखोगे, हाँ हाँ